हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोलार्श लॉ। हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज में कि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वेरिएशंस पढ़ी थी कंसेंट्रेशन के साथ। तो हमने वहां पे देखा था कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है जो लैम्डा नॉट एम था, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि उसकी वैल्यू को हम कोलार्श लॉ से फाइंड आउट करेंगे। तो कोलार्श लॉ क्या बोलता है आपका, 1876 में दिया गया था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समझते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आपके जो वाटर है आपने इनफाइनाइट डाल दिया, बहुत सारा वाटर डाल दिया। कहने का मतलब कि जब आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट आ जाती है, जब आपकी मोलर कंडक्टिविटी है या कहीं पे भी आपकी जब वैल्यू कांस्टेंट आनी शुरू हो जाती है, तो उसको आपने क्या कहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, उस दौरान लगभग आपका डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका होता है, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, कि आपका जो भी हर आयन है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। कहने का मतलब कि अगर आपका Cl नेगेटिव आयन है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी, चाहे वो आपका HCl के साथ जुड़ा है या फिर आपका NaCl के साथ जुड़ा है। उस दौरान जो मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की होगी वो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, चाहे वो किसी भी आपके कैटायन के साथ जुड़ा है, चाहे आपका Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव या फिर कोई और है। तो ये आपका कोलार्श लॉ बोलता है। अगर इसको हम दूसरी तरह देखें कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दैट इज जिसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी जितने भी उसके अंदर कैटायन या एनायन होंगे, या बोल सकते हैं जो भी कैटायन और एनायन होंगे उनकी इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका सम होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपका लैम्डा नोट एम, अगर हम एच सी एल बोले तो किसके बराबर होगा, आपका लैम्डा नोट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नोट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा आपके सी एल नेगेटिव के बराबर होगा, कि जो आपका ये है ये किसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगी, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू कैटायनिक कंट्रीब्यूशन या कैटायनिक कंडक्टिविटी प्लस एनायनिक कंडक्टिविटी, की जो कैटायन था उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है और जो आपकी एनायन है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है आपकी। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक मोबिलिटीज। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का क्या मतलब, कि जो जैसे आपका सीएल, आपका कोई भी एनायन है वो कैटायन के इरिस्पेक्टिव मूव करेगा, चाहे कैटायन आपका किसी भी टाइप का है, सेम उसी प्रकार से जो आपका कैटायन होगा वो एनायन के इरिस्पेक्टिव मूव करेगा। और इंडिपेंडेंट आयनिक मोबिलिटी भी, ये इसके दूसरे नाम है अलग अलग से। तो इसको हम देखते हैं इसकी एक्सप्रेशन से, कि लैम्डा नोट एम एच सी एल इज इक्वल टू लैम्डा नोट एस पॉजिटिव प्लस आपका लैम्डा नोट सी एल नेगेटिव, कि जो आपकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट एच सी एल के लिए वो किसके बराबर होगी, कैटायन कंट्रीब्यूशन प्लस एनायन कंट्रीब्यूशन के लिए। वैसे ही आपका एन एच फोर सी एल है वो किसके बराबर होगी, आपके कैटायन प्लस एनायन, आपकी एच वॉटर के साथ कैसा होगा, आपका हाइड्रोजन आयन प्लस आपका हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होगी। तो इसका का मेन फोकस क्या था, हम ये देखो आप किसी भी, हमने यहां पे लिखा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जो मेन फोकस था किसका था, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एक ये मतलब प्लस पॉइंट की तरह काम करेगा। तो इससे क्या हो सकता है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैल्यू जो आपकी लैम्डा एम है उसको निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, सपोज करते हैं हम अगर यहां पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो हमने क्या किया कि हमने सेकंड में से माइनस किया फर्स्ट को, सेकंड में से माइनस किया फर्स्ट को और थर्ड है उसको ऐड कर देते हैं। तो हम देखेंगे क्या हमने ऐड किया, इसको बाद में इसका पता करेंगे कि किस लिए हमने इसको किया था ऐसे। तो सेकंड माइनस वन, सेकंड जो इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो थर्ड है उसको हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा, सेकंड कौन सा है आपका NH4Cl नेगेटिव, फर्स्ट में क्या होगा HCl प्लस
लैम्डा एम किसका, वाटर का। ये हमने लिख लिया इक्वेशन को सिंपली, और अब इनका जो राइट हैंड साइड है उसको भी लिखेंगे ऐसे। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ HCl है, नेगेटिव ऑफ HCl के लिए क्या लिखा हमने, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और H नेगेटिव, और ये लिख लिया। तो जो आपका नेगेटिव का साइन है तो ये भी आपका किसका हो जाएगा, नेगेटिव, और जो ये Cl नेगेटिव ये भी किसका होगा, आपका Cl नेगेटिव का। तो हम इसको इससे कट करते हैं, और ये जो प्लस का ये नेगेटिव है ये इसको प्लस से, तो हमारे पास क्या बचता है रिजल्टेंट में, लैम्डा नोट एच पॉजिटिव और लैम्डा नोट ओ एच नेगेटिव। तो ये किसको, इसको हम लिखते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, ये आपका कैटायनिक पार्ट, ये आपका एनायनिक पार्ट, तो इससे क्या बनता है आपका लैम्डा नोट एन एच फोर ओ एच। तो हमें पता है कि कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने देखा रेंडमली कि आपने, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आपने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इसके बेसिस पे सम आते हैं आपके बहुत सारे जिनको हम फर्दर पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में फर्स्ट आती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी पहले जब लेक्चर्स में हमने, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो भी आपकी रिलेशंस है लगभग सेम है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने अभी पीछे किया किसके लिए, आपका NH4OH के लिए किया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस पॉइंट के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस भी करेंगे फर्दर। फिर सेकंड पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप इसके लिए इससे क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है लैम्डा नॉट एम एट सी, मतलब किसी भी मोलर कंडक्टिविटी एट दैट कंसंट्रेशन जिस पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हमें जो आपकी इनफाइनाइट टाइम पे जो भी होगी। वैसे ही आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर आपका या सेम फार्मूला होगा। तो ये आपकी सेकेंड एप्लीकेशन थी। अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं हम। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम, अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता है तो हम इसको जो के है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ा था उससे, उसको हमने जो एक्सप्रेशन था वो क्या था कि के इज इक्वल टू के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस के अल्फा, वेयर अल्फा क्या था आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो इससे हम क्या है, के की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड्स के लिए के ए होगा, बेसिस के लिए क्या होगा आपका, के बी होगा। इसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन आती है आपकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, कि आपकी जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है और विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट होगा इसका। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डेन रूल्स भी बोलते हैं। वाल्डेन रूल्स डायरेक्ट भी आता है, व्हाट इज वाल्डेन रूल, तो उसमें आपको क्या बताना होगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा आपका, कि फॉर ए गिवन आयन इन डिफरेंट सॉल्वेंट, कि आपका कोई भी आयन है, कैटायन है, एनायन है, वो अलग अलग सॉल्वेंट में क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एन आयन एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एन आयन एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉन्स्टेंट, कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा। हम देखते हैं कि फॉर कैटायन क्या होगा, जो लिमिटिंग कंडक्टेंस कैसे डिनोट करेंगे, लैम्डा नोट पॉजिटिव और आपका एन नोट क्या है आपका, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम होगा। तो वही हमने लिखा है कि फॉर ए गिवन आयन द प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मीडियम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए था, कैटायन के लिए, ऐसे ही आपका किसके लिए होगा, एनायन के लिए, लैम्डा नोट नेगेटिव एन नोट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इनको इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकेंड बोल के एड करते हैं तो क्या होगा आपका,
कि लैम्डा नॉट पॉजिटिव एन नॉट प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव एन नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा। इसको हमने क्या किया, एन नॉट को कॉमन लिया, तो आपका क्या बचता है, लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट एम, कि जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू एन नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके लिए, वाल्डन रूल के लिए। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज कॉन्स्टेंट। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वाल्डन रूल के लिए, और ये क्या होगा आपका डेफिनेशन होगी वाल्डन रूल के लिए। इसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है, या उससे पहले कंसीक्वेंसेस आती हैं कि जो आपका वाल्डन रूल है वो लार्ज साइज आयन के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आपका CH3 4 whole 4 N positive आपका टेट्रामिथाइल अमोनियम आयन के लिए, या फिर पिक्रेट्स आयन है क्योंकि लार्ज साइज आयन है उनके लिए। स्मॉलर साइज आयन के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। कारण क्या है कि जो आपका स्मॉल साइज आयन होगा वो क्या होगा, आपका सोल्वेटेड हो जाएगा ग्रेटर एक्सटेंट। हमने जब इफेक्ट पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, वहां हमने सोल्वेशन का मतलब पढ़ा था, तो वही सोल्वेशन यहाँ पे भी होगा उसी टाइप का, कि जो आपका स्मॉलर आयन है वो क्या होगा ग्रेटर एक्सटेंट में सोल्वेटेड हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा उसका जो इफेक्टिव रेडियस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्टरी आपका जो वाल्डन रूल है वो ओबे नहीं हो पाता और लार्ज साइज आयन के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। इसके बाद आता आपका मोलर आयनिक कंडक्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो आपकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस है उसकी टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या डिपेंडेंस होगी। तो जो आपकी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले हम टेम्परेचर का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज, इसकी हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी है वो मीडियम की वो क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जो आपके आयन्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मूवमेंट बढ़ेगी, तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, और विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा आपकी आयनिक जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा था विस्कोसिटी के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपका टेम्परेचर का कंसेप्ट था। इसके बाद आता है प्रेशर का, तो प्रेशर के साथ क्या होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर, कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं आयनिक कंडक्टेंस क्या होगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है कि विद जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाती है इंक्रीज, क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप उस सारी वॉल्यूम को क्या करते हैं जितना भी मटेरियल को स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ने से आयनिक कंडक्टेंस वो क्या हो जाती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने कोहलर्श लॉ के बेसिस पे या सिंपली डिस्कस किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो कोहलर्श लॉ पे बेस है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर मेथड पता है तो आप कर सकते हैं। वो क्या है कि आपके पास डाटा गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज गिवन है, कितनी 126.4, ये यूनिट्स है, यूनिट्स को बड़े ध्यान से लिखेंगे हम और याद भी रखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट्स भी है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 426.1 एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसिटेट इज 91.0। ये आपको डाटा गिवन है, इससे आपको क्या करना है एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड आउट करना है। हमें पता है एसिटिक एसिड क्या होता है आपका CH3COOH, जो आपका क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखते हैं। इसको हमने क्या किया सिंपली लिख लिया, जो आपके NaCl था उसको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl है लैम्डा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और CH3CN उसको एसिटिक आयन और आपका सोडियम कैटायन, जो हमने कोहलर्श लॉ था उसके बेसिस पे डायरेक्टली इनको लिख लिया। उसके बाद हमें देखते कि हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है एसिटिक एसिड के लिए, तो एसिटिक एसिड को क्या लिखेंगे हम लैम्डा नॉट एम CH3COH किसके बराबर होगा आपका एसिटेट आयन, साथ में क्या होगा आपका हाइड्रोजन आयन। अब हमें ये देखना है कि ये जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। इसको अगर हम नाम दे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन दे सेकंड, और इसको इक्वेशन दे थर्ड, हम देख पा रहे हैं कि जो एसिटेट आयन है वो क्या है इक्वेशन थर्ड में है, और जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो किस में है इक्वेशन सेकंड में है।
तो हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन तो हमें चाहिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे और जो आपकी इक्वेशन वन है इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम एसिटेट के लिए ऐड कर लिया, साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी का HCl के लिए, इक्वेशन थ्री और टू को ऐड कर लिया और माइनस किसके किया है हमने, NaCl को किया। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यूज है उनको पुट करेंगे, जैसे हमारा एसिटेट आयन के लिए कितना होगा 91.0 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए 426.1 नेगेटिव, और NaCl के लिए कितनी वैल्यू दी गई है 126.4। इनके बाद जो सम करके या रिजल्ट आएगा आपका वो क्या होगा, आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। ये आपका था, इस पे एक दो क्वेश्चन और है जिनको आप ट्राई करेंगे खुद से। थैंक यू वेरी मच।